दौसा संसदीय क्षेत्र में 12 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और मेगा रोड शो को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा घूम घूम कर पीले चावल बांटने शुरू कर दिए हैं। दौसा सीट से जुड़ गई किरोड़ी की प्रतिष्ठा, आमजन से मुलाकात का सिलसिला जारी। लगातार लोगों से कर रहे किरोड़ी संपर्क, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश। आपको बता दें, बीजेपी के मिशन 25 के लक्ष्य के लिए दौसा सीट काफी महत्वपूर्ण है। आगामी 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में मेगा रोड शो करेंगे। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा की जीत सुनिश्चित करेंगे। दौसा जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने सोमवार को 12 अप्रैल को प्रस्तावित पीएम मोदी के मेगा रोड शो को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। दौसा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में आयोजित रोड शो को लेकर दौसा जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रभु दयाल ने बैठक में विभिन्न पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। दौसा जिला मुख्यालय पर मंगलवार यानी आज आयोजित होने वाली बैठक में भाजपा सोशल मीडिया टीम के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर काम करने के गुण सिखाए जाएंगे। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गांव ढाणी में बैठे आमजन तक प्रचार करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। बैठक में प्रत्येक विधानसभा में 100 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। बैठक में दौसा लोकसभा प्रभारी कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़, देव नारायण बोर्ड राजस्थान सरकार के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी, सांसद करनाल संजय भाटिया, लालसोट विधायक रामविलास मीणा, सिकराई विधायक विक्रम वंशीवाल, बांदीकुई विधायक भागचंद टांकड़ा मौजूद रहेंगे।